यूं तो आए दिन बॉलीवुड में कोई ना कोई रूमर्स उठते ही रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही सच होते हैं। आइए आज म्यूजिक इंडिया अवार्ड्स में हम बात करेंगे इस साल के टॉप रूमर्स की जो आखिरकार गलत ही साबित हुए। रणबीर कपूर हाल ही रिलीज हुई फिल्म तमाशा में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के साथ इश्क फरमाते दिखे, जिसकी वजह से कटरीना कैफ अपसेट हो गई थी। There were strong rumors about the separation of this cute couple, but then it was just a rumor and they are still very much together and going strong. वही सलमान की आने वाली फिल्म सुल्तान में दीपिका के साथ रोमांस करने का रूमर भी गलत ही साबित हुआ और अभी तक सुल्तान की कोई हीरोइन फाइनलाइज ही नहीं हुई। There was a strong buzz about Kareena Kapoor being pregnant, but to put an end to these rumors, Bebo is shooting for Ki & Ka with a much younger Arjun Kapoor. बात करें इस साल के सबसे बड़े रूमर की, तो करीना कपूर का प्रेग्नेंट होना ही ये अवार्ड ले जाता है। So, the Music India Awards for the best rumor of the year goes to करीना कपूर's pregnancy. अवार्ड्स तो और भी बचे हुए हैं जिनकी चर्चा आने वाले दिनों में होगी, लेकिन आप जुड़े रहिए म्यूजिक इंडिया के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।